गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी अपने अपने घर पे सेफ होंगे। लास्ट मंथ में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, तो वो हमने आज कंटिन्यू करना है। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 की थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.3 जो है वो करी थी। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। 4.4 में हमने करना क्या है, हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो उन फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं कि वो फ्रैक्शन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, चेक द फ्रैक्शन 21/24 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इफ़ नॉट देन राइट इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमें फ्रैक्शन दी हुई है 21/24, हमें पहले चेक करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, जो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है हम उसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ 21 एंड 24 का HCF जो है वो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको कराए हैं, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे जो फैक्टर्स निकाल के मेथड था वो वाला, चाहे आप डिवीज़न मेथड्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट मैं फैक्टर वाला जो मेथड है वो प्रेफर करती हूँ। जैसे 21 है, 21 के फैक्टर्स निकाल लें, फैक्टर ऑफ 21, तो वो वाले नंबर जो 21 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ 1, 3, 7 and 21। एंड जो फैक्टर्स हैं 24 के, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24। तो अब जब हम HCF निकालेंगे तो पहले हम जो है उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो देखते हैं। तो अगर हम चेक करें इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो HCF जो है 21 एंड 24 का वो क्या हो गया, 3, ठीक है। अब पहला स्टेप था हमारा कि हमने HCF निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। अगर तो जो HCF हम निकालते हैं अगर वो HCF की वैल्यू 1 आएगी तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही होगी। बट अगर HCF, इन केस अगर HCF जो है वो 1 नहीं आता है, 1 की जगह पे कोई और नंबर आता है, दैट मीन्स जो हमारी फ्रैक्शन है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, हम उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अगर तो जो HCF हम निकाल रहे हैं गिवन फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, अगर तो वो HCF की वैल्यू 1 आती है, दैट मीन्स जो फ्रैक्शन आपको गिवन है वो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में होगी। अगर जो हम HCF निकालते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, अगर वो उसकी वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आती है, दैट मीन्स जो आपकी फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, हम उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो हमारे पास HCF क्या आया, 3। सो गिवन फ्रैक्शन इज नॉट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म बिकॉज HCF इज नॉट 1। तो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे गिवन फ्रैक्शन को, तो हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट इट इन लोएस्ट फॉर्म डिवाइड न्यूमिरेटर
एंड डिनोमिनेटर बाय जो एच सी एफ की वैल्यू आती है उससे बाय 3। सो हम डिनोमिनेटर क्या था हमारा 21, उसको भी 3 से डिवाइड किया, जो 24 है उसको भी 3 से डिवाइड किया। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 24 को 3 से करेंगे तो 8। तो ये जो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आई है ये हमारी क्या है आंसर, हमारी जो है गिवन फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म होगी। सो लोएस्ट फॉर्म ऑफ 21/24 इज 7/8, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म और नॉट। तो हमने क्या करना है, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका एच सी एफ निकालना है। अगर तो एच सी एफ 1 आएगा तो फिर जो गिवन फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में होगी। अगर उसका एच सी एफ जो है 1 नहीं आ रहा है तो वो फ्रैक्शन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगी। मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, जे पार्ट में करके दिखाती हूँ आपको पहले, दैट इज 18/23। न्यूमिनेटर जो है वो 18 है, डिनोमिनेटर जो है वो 23 है, फर्स्ट सम का जे पार्ट में करके दिखा रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, एटीन एंड 23 का, तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 and 18, एंड फैक्टर्स ऑफ 23 इज 1 and 23, बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर, दैट्स वाई ओनली 2 फैक्टर्स होंगे इसके, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ 23। तो एच सी एफ जो है 18 एंड 23 का वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1, तो एच सी एफ क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देखो एच सी एफ जो है 18 और 23 का 1 आया, सो दैट मीन्स गिवन फ्रैक्शन जो है 18/23 जो गिवन फ्रैक्शन है इट इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि इसका एच सी एफ 1 आ रहा है। अगर एच सी एफ 1 नहीं आता तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगी, अगर एच सी एफ इसका 1 नहीं आएगा तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल मैं करके दिखा देती हूँ आपको, दैट इज 12, फर्स्ट पार्ट ही करके दिखाती हूँ, ए पार्ट, दैट इज 12/14। तो यहाँ पे भी हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, एच सी एफ निकालना है तो उसके लिए फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12 इज 1, 2, 3, 4, 6 and 12, फैक्टर ऑफ 14 आर 1, 2, 7 and 14। तो हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, दैट इज 2। सो एच सी एफ जो है 12/14 का वो क्या आ गया 2। अब एच सी एफ यहाँ पे 2 आया तो दैट मीन्स जो गिवन फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज एच सी एफ ऑफ 12 and 14 is not 1, so it is not in its lowest form। यहाँ पे वन आया था ना एच सी एफ, तो 18/23 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एच सी एफ जो है वो 2 आया है, दैट मीन्स जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड सम है, राइट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या है, पहले फाइंड आउट करना है कौन सी फ्रैक्शन जो है वो, मतलब जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, अगर होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसका हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। तो इसका भी मैं आपको एक पार्ट करके दिखाती हूँ,
सेकेंड सम का मैं आपको ई पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, दैट इज 24/36। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी फाइंड HCF ऑफ 24 and 36। तो इसके लिए पहले 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 इज 1, 2, 3, 4, 8, 12 and 24। और फैक्टर्स ऑफ 36 निकालना है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 and 36। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनमें वो कौन सा है, दैट इज 12। तो HCF जो है 24 and 36 का वो क्या आ गया, 12। अब HCF जो है, बिकॉज HCF ऑफ 24 and 36 इज नॉट 1, सो 24/36 इज नॉट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में तो तभी होगी ना अगर HCF 1 आएगा, बट यहाँ पे तो HCF 12 आ रहा है, दैट्स वाई जो गिवन फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। सो टू कन्वर्ट इट into lowest form, divide numerator 24 and denominator 36 by जो HCF होगा उससे by 12। तो 24 को भी 12 से डिवाइड किया, 36 को भी 12 से डिवाइड करेंगे। 24 को 12 से डिवाइड किया, 12 to the 24 and 12 to the 36। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो ये था हमारा मेथड कैसे हम गिवन फ्रैक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, बाय फाइंडिंग इट्स HCF एंड देन उसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 4.4 वो कम्प्लीट होती है। थैंक यू क्लास।